बात है आत्म अभिमानी स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति बनाना। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो देह से हमारा रिश्ता कट जाता है, संबंध कट जाता है, देह से हम न्यारे होते हैं। जब हम देह से न्यारे होते हैं तो स्वतः ही देह की दुनिया से, देह के संबंधों से और देह के पदार्थों से न्यारे होते हैं, इस दुनिया से न्यारे हो जाते हैं और परमात्मा की याद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए गुप्त ही गुप्त हमारा विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलें। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट देखें और आत्मा के जो सात निजी गुण हैं, एक एक गुण की बहुत अच्छी तरह से अनुभूति करते रहें, तो आत्म अभिमानी स्थिति हमारी विकसित होती जाएगी और स्वतः श्रेष्ठ स्थिति की ओर हम आगे बढ़ने लगेंगे। स्व स्थिति अर्थात स्व की स्मृति में टिकना, स्व की स्थिति में टिकना, आत्मिक स्थिति में टिकना, तभी हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन सकती है।